जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको माघ मास महात्म के 21वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। अग्नि के पिता वेद नीति का महर्षि लोमस से उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करना। हे राजन, इस प्रकार परस्पर श्राप देने के कारण उन गंधर्व कन्याओं के सहित वह धर्मात्मा ऋषि कुमार भी पिशाच योनि को प्राप्त हो गया और भूख प्यास से पीड़ित होकर अनेक प्रकार के कष्टों को सहन करता हुआ उन कन्याओं के साथ विचरने लगा। हे नृप, पिशाच योनि को पाकर वह छह प्राणी बुरी तरह से चिल्लाते थे और जो कोई प्राणी उस सरोवर की ओर आता उसे भयभीत करते हुए मौत के मुंह में धकेल देते थे। हे राजन, एक दिन का जिक्र है कि महर्षि लोमस उस सरोवर पर स्नान करने को आए तो पिशाच शरीरधारी उन छहों ने चिंगाड़ते हुए उन पर धावा बोल दिया, परंतु लोमस जी के तप के तीव्र तेज से वह आगे न बढ़ सके और शीघ्र ही पीछे हटकर चुपचाप खड़े हो गए। इतनी देर में उस ऋषि कुमार के पितावी श्री वेद निधि वहां आकर महर्षि लोमस को दंडवत करते हुए कहने लगे, हे भगवान, बड़े ही पुण्य प्रताप से साधु महात्मा का समागम होता है, क्योंकि श्रेष्ठ मनुष्यों के समागम से तमाम रोग और संताप दूर होकर सदगति और सुख की प्राप्ति होती है, इसलिए मेरे बड़े भाग्य से आपके दर्शन हुए हैं। हे महर्षि, जो आपके सामने छह प्राणी खड़े होकर आपके तेज से कांप रहे हैं, इनमें मेरा एक पुत्र और पांच गंधर्व कन्याएं हैं। यह परस्पर एक दूसरे के श्राप के कारण इस पिशाच योनि में चले गए हैं, इसलिए कृपा कर इनका उद्धार कीजिए, क्योंकि जिस प्रकार सूर्य उदय होने पर अंधकार का नाश होता है उसी प्रकार आपके दर्शन से पाप और संतापों का नाश हो जाता है। हे राजन, वेद निधि के यह वचन सुनकर दया से आद्र चित वाले महर्षि लोमस ने कहा, हे विप्र, अब मैं आपके सामने उस धर्म का वर्णन करूंगा जिसके द्वारा परस्पर इनका श्राप नष्ट होकर इन्हें सुख और सदगति प्राप्त होगी। हे राजन, इस प्रकार परस्पर श्राप देने के कारण उन गंधर्व कन्याओं के सहित वह धर्मात्मा ऋषि कुमार भी पिशाच योनि को प्राप्त हो गया और भूख प्यास से पीड़ित होकर अनेक प्रकार के कष्टों को सहन करता हुआ उन कन्याओं के साथ विचरने लगा। हे नृप, पिशाच योनि को पाकर वह छह प्राणी बुरी तरह से चिल्लाते थे और जो कोई प्राणी उस सरोवर की ओर आता उसे भयभीत करते हुए मौत के मुंह में धकेल देते थे। हे राजन, एक दिन का जिक्र है कि महर्षि लोमस उस सरोवर पर स्नान करने को आए तो पिशाच शरीरधारी उन छहों ने चिंगाड़ते हुए उन पर धावा बोल दिया, परंतु लोमस जी के तप के तीव्र तेज से वह आगे न बढ़ सके और शीघ्र ही पीछे हटकर चुपचाप खड़े हो गए। इतनी देर में उस ऋषि कुमार के पितावी श्री वेद निधि वहां आकर महर्षि लोमस को दंडवत करते हुए कहने लगे, हे भगवान, बड़े ही पुण्य प्रताप से साधु महात्मा का समागम होता है, क्योंकि श्रेष्ठ मनुष्यों के समागम से तमाम रोग और संताप दूर होकर सदगति और सुख की प्राप्ति होती है, इसलिए मेरे बड़े भाग्य से आपके दर्शन हुए हैं। हे महर्षि, जो आपके सामने छह प्राणी खड़े होकर आपके तेज से कांप रहे हैं, इनमें मेरा एक पुत्र और पांच गंधर्व कन्याएं हैं। यह परस्पर एक दूसरे के श्राप के कारण इस पिशाच योनि में चले गए हैं, इसलिए कृपा कर इनका उद्धार कीजिए, क्योंकि जिस प्रकार सूर्य उदय होने पर अंधकार का नाश होता है उसी प्रकार आपके दर्शन से पाप और संतापों का नाश हो जाता है। हे राजन, वेद निधि के यह वचन सुनकर दया से आद्र चित वाले महर्षि लोमस ने कहा, हे विप्र, अब मैं आपके सामने उस धर्म का वर्णन करूंगा जिसके द्वारा परस्पर इनका श्राप नष्ट होकर इन्हें सुख और सदगति प्राप्त होगी। इसी के साथ माघ मास महात्म के 21वें दिन की कथा समाप्त हुई। बोलो माघ मास महात्म की जय।